मेरे को बोला गया था कि ले आओ अपने लिए, अपने रूम के लिए बल्ब। मैं कहता हूँ कि अंधार में रहूँगा, अंधेरे में रहूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं लाने को है। लेकिन मैं कितना बल्ब लाऊँ, बार बार यार फ्यूज़ हो जाता है, ये तो कभी हो तो कभी हो, तो 6-7 ठो बल्ब जलता है। कितना पैसा लगाए हर बार, 1-2 दिन में बल्ब फ्यूज़ होना ही होना है। जो आगे से गाड़ी में आ रहा है उसको क्या लगता है, बुस्टा मीन्स भूसा, भूसा मीन्स। और गांव में तो यार सुबह होता है और शाम हो जाता है, नहीं सुबह होता है शाम हो जाता नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गांव में। नमस्कार साथियों, नए से ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आज का ब्लॉग आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करने वाले होंगे, इन्जॉय करेंगे और इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करूँगा, तो देखते रहिए आज का ब्लॉग। आज मैं सोचा कि सबसे पहले पानी भर के ही आता हूँ, इसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करेंगे आज का। इतना तुर निकलेगा ये ड्राम, भरने में तो आधा एक घंटे लग जाएंगे। पानी की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, आज पता नहीं कितना टाइम पानी भर पाएगा, कितना टाइम लेके जा पाऊँगा। फिर भी यार घर तो जाना है, पानी पीने के लिए घर में रात का बचा हुआ है कल का 1-2 डेगची साथ छोटे में, तो हो तो जाएगा अभी के लिए, लेकिन पानी भरना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि शाम को आएगा पानी, सफाई होता है। समस्या है कि जीवन के पीछे पड़ी हुई है, कभी छोड़ते नहीं हैं अकेले, कि तुम अकेले रह जाओगे ना, खुशी खुशी तो जीने देंगे ही नहीं। जीवन का नाम ही जीवन में कहते हैं कि समस्याएं आती हैं, लेकिन एक चीज़ तो पता है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, आते जाते रहता है, कभी है कभी नहीं है, लंबा समय के लिए तो कभी कम समय के लिए, आते जाते रहेंगे। उस चीज़ को छोड़ो यार, पानी भरवा के जाता हूँ, वैसे पानी लेने के लिए एक बार और आना है, तो निकलेगा तो आऊँगा, नहीं तो फिर देखेंगे यार जो होता है, कैसे होता है, जैसे भी होगा अच्छा ही होगा। पानी लेके आया और भरवाया, पानी लेके तो आया यार, बहुत देर लगा लेकिन फाइनली लेके आ ही गया। और अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पानी अभी है, लेकिन नहीं भी है भरवाने जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो बहुत गर्मी है और पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। डब्बा में पानी भरवाया हूँ पीने के लिए, तो अभी जा रहा हूँ, फिलहाल धूप में आराम ही करता हूँ। बहुत देर हो चुका, सुबह बस थोड़ा सा बनाए वीडियो इंट्रो टाइप से, इसके बाद तो समझो मानो क्या ही हो गया, क्या ही हो गया, क्या नहीं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पानी जैसे कि देखा आपने वहाँ पर निकल ही नहीं रहा था, किस टाइप का पानी निकल रहा था, इसके बाद आया लेके, फिर जो बचा हुआ था असुर वेब सीरीज़ का जो एपिसोड उसको देख के पूरा किया यार, अच्छा लगा देखने के बाद। और आप लोग भी अगर चाहें तो जाके देख सकते हैं जियो सिनेमा पे, 29 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अभी में, पहले फ्री था लेकिन अभी एक प्लान लॉन्च कर दिया गया है 29 रुपये का, तब जाके देख सकते हैं, तो देखिए। और गांव में तो यार सुबह होता है और शाम हो जाता है, नहीं सुबह होता है शाम हो जाता नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाँव में होने के लिए, शहर में सुबह और शाम होता है पता ही नहीं चलता। गाँव में भी वैसे ही होता होने के लिए, लेकिन गांव की कुछ बात ही अलग होती है। इतना टाइम लोग घर से बाहर निकलते हैं, वैसे शहर में भी निकलते हैं, लेकिन गांव वाले लोग इतना टाइम अपना काम वाम जो थोड़ा बहुत बचा होता है उसको करते हैं। और जैसे कि गर्मी के मौसम में हम लोगों के एरिया में गाय बैल को छुट्टा छोड़ दिया जाता है 2-2.5 महीने के लिए, तो अभी देख सकते हैं छुट्टा है तो सभी लोग अपना अपना बांध रहे हैं और ये रहे। वैसे तो सूर्यास्त होने वाला है, हो ही रहा है, वो तो होगा ही, वो तो होना ही है, उसको हम टाल नहीं सकते, होगा ही, होके रहेगा। और हम लोग गांव के जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से गुजरते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से आगे जाते हैं, और दोनों चीज़ें होती हैं, खुश तो कभी, दुख तो कभी, नाराज़ तो कभी, गम तो कभी, क्या परेशानियों को हम लोग पार ऐसे ही कर जाते हैं, हंसते मुस्कुराते और डट के, उसमें ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात होती नहीं है। आज के लिए माफ़ी चाहूँगा जो इतना लेट से ज़्यादा आज कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। और एक चीज़ और था कहना, दिल से चाहता था कि मुझे ना अपना बुक रीडिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है, जो कि मैं बहुत दिनों से करना तो चाहता हूँ मगर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इस वजह से कि मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि अलग से टाइम मिले, कुछ स्पेशल हो तब स्टार्ट करूँ, तो ऐसा तो मुमकिन होने से रहा नहीं, जो भी करना है इसी टाइम में करना है तो करते हैं। और आज पैन कार्ड अप्लाई करना है, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना है कि कैसे क्या करना है, अंगूठे वाला साइन वाला सिग्नेचर वाला तो बनाया हूँ लेकिन अंगूठे का निशान वाला नहीं बनाया, तो उसके बारे में रिसर्च करके बनाता हूँ। और दिन तो ऐसे ही चला गया,
गांव वालों की ज़िंदगी ना ऐसे ही होती है, सुबह से शाम से सुबह से शाम से सुबह। गांव वाले लोग सोचते हैं कि यार सुबह हो गया काम में जाना है, यार शाम हो गया घर को जाना है, और घर आने के बाद खाना पीना, फिर सो जाना, फिर उठना फिर वही, फिर उठना फिर वही, फिर सोना फिर उठना फिर सोना, मतलब हमेशा का वही रहता है। और जो कुछ नहीं करता वो बिंदास रहते हैं। अभी तो मैं भी नहीं जाता हूँ गोदी वोदी कहीं काम करने में, वैसे जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए आप लोग कमेंट के बताइए, करके बताइए। मैं सोच रहा था कि वाड्रफनगर में जाके कुछ काम ढूंढ लूं और करूं, लेकिन पता नहीं फिर अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का मन ही नहीं करता। वैसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि कंफर्ट जोन इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, तो आगे बढ़ने से रुकना नहीं है, आगे बढ़ते हुए जाना है। आप भी बढ़िए, हम भी बढ़ते हैं, सब लोग साथ में बढ़ते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कुछ ट्राई कर रहा हूँ बेहतर से बेहतर करने की, और कल या परसों कुछ आने वाला है तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या चीज़ है और क्या है कैसे है। जो आगे से गाड़ी में आ रहा है उसको क्या लगता है, गाड़ी तो बहुत पुराना नज़र आ रहा है, शायद उसमें कुष्ठा हो सकता है। कुष्ठा मीन्स भूसा, भूसा मीन्स नहीं यार, इसमें तो सामान है। बल्ब ऑन नहीं है, यहाँ पे बल्ब चालू है यहाँ और अंदर का, इस रूम में भी, लेकिन मेरे वाले रूम का बल्ब फ्यूज है। मेरे को बोला गया था कि ले आओ अपने लिए, अपने रूम के लिए बल्ब। मैं कहता हूँ कि अंधार में रहूँगा, अंधेरे में रहूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं लाने को है, लेकिन मैं कितना बल्ब लाऊँ, बार बार यार फ्यूज़ हो जाता है, ये तो कभी हो तो कभी हो तो 6-7 ठो बल्ब जलता है, कितना पैसा लगाएं, हर बार 1-2 दिन में बल्ब फ्यूज होना ही होना है, तो होने देते हैं बल्ब फ्यूज, जो होना से होने दो, क्या है इसमें है? ज़िंदगी तो ऐसी ही है गाँव वालों की, बल्ब को लेकर टेंशन तो कभी, किस चीज़ की टेंशन, 10 रुपये की टेंशन, 5 रुपये की टेंशन, 2 रुपये की टेंशन, 3 रुपये की टेंशन, ऐसे ऐसे टेंशन गांव वाले लोग हैं भाई साहब, चलते रहता है, कभी एडजस्ट कर ही लेते हैं, कभी पैसों की तंगी की वजह से, तो कभी दिमाग लगाते हैं कि यार अभी रहने देते हैं, काम चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत है। काम चलने से मतलब है, काम चलने से मतलब है यार, काम चलने से मतलब है, चलाते हैं काम और घर में ऐसे ही उजाला होने देते हैं।